नमस्कार, हमारे साथ हैं पद्मश्री एससी मनचंदन साहब। आइए जानते हैं, यहाँ पर इंटीग्रेटेड कॉन्फ्रेंस हुआ है खासतौर से सारे मेडिकल को एक साथ करके आगे बढ़ने के लिए। आइए जानते हैं क्या कुछ कहते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस प्रकार से यहाँ पर नवजीवन और भारत ने आयुष्मान ने आयोजित किया है कार्यक्रम, क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस है क्योंकि आजकल बीमारियां बढ़ रही हैं और एक सिस्टम मेडिसिन का इसको ठीक करने में सक्षम नहीं है। इसीलिए हमें इंटीग्रेटेड सिस्टम यूज़ करना है। इंटीग्रेटेड का मतलब है कि बेस्ट ऑफ द मॉडर्न मेडिसिन और एंशंट विजडम, जिसमें हमारा आयुर्वेदा आता है, जिसमें योगा आता है, जिसमें नेचुरोपैथी आता है, इन दोनों को अगर मिलाया जाए तो कई बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। और इसके ऊपर काफ़ी साइंटिफिक एविडेंस है कि अगर हम इन दोनों को मिक्स कर दें तो ना केवल बीमारी से बचा जा सकता है जल्दी, इससे बीमारी से ठीक भी हो जा सकता है और कॉस्ट इफेक्टिव भी है। इसीलिए कई हॉस्पिटल्स ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। जैसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में एक बहुत बड़ा इंटीग्रेटेड सिस्टम बना हुआ है, इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च भी हुई है। हमने खुद रिसर्च की है कि अगर योग को मिला दें, हम अपने पुरानी अपनी साइंटिफिक जो सिस्टम है, जो मॉडर्न सिस्टम है, तो इससे कई मरीजों का फ़ायदा हो सकता है। अगर बीमारी जैसे बीमारी अगर कोलेस्ट्रॉल वगैरह जमा हो गया है, बीमारी अगर हार्ट डिजीज़ है जिसमें ब्लॉकेज हो जाता है, उसको भी कम किया जाता है। अर्ली स्टेज में तो बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। हाई ब्लड प्रेशर को ठीक किया जा सकता है बगैर दवाई के, डायबिटीज़ को ठीक किया जा सकता है, और अगर मानसिक तनाव है, डिप्रेशन है, उसको भी ठीक किया जाए। इसके ऊपर काफ़ी साइंटिफिक स्टडीज़ हैं कि योग को बहुत फ़ायदा होता है, और बीमारी अगर बढ़ी हुई है तो इसको मॉडर्न मेडिसिन के साथ अगर मिला दिया जाए, दोनों का मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। हमारे जो एंशिएंट सिस्टम हैं, अगर हम शुरू से ही प्रैक्टिस करें, बचपन से ही करें, तो फिर तो न्यूअर सिस्टम जो एलोपैथिक सिस्टम की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि बीमारियों को दूर करने के लिए बहुत फ़ायदा करता है। जैसे मैंने बताया, हार्ट डिजीज़ क्यों पैदा होती है, क्योंकि हमारे बचपन से ही हमारी जीवन शैली ठीक नहीं होती। हम खाना ठीक नहीं खाते, शारीरिक व्यायाम नहीं करते, मानसिक तनाव होता है, तंबाकू का प्रयोग करते हैं स्कूल की, और 30-40 साल बाद आर्टरीज में ब्लॉकेज होता है, जैसे हार्ट अटैक वगैरह हो सकता है। तो अगर बचपन से इसका ध्यान रखा जाए, और योग इसके अंदर बहुत फ़ायदा कर सकता है, क्योंकि योग केवल कुछ आसन नहीं, एक जीवन शैली है जिसके अंदर हम शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर, भावनात्मक और आध्यात्मिक तौर पर स्वस्थ रहते हैं। तो खान पान जिसको सात्विक भोजन कहा जाता है, वेजिटेरियन लो फैट डाइट, वो किया जाए तो कई बीमारियों से ठीक हो सकते हैं। शारीरिक व्यायाम भी पार्ट ऑफ योगा है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो योगा का है कि इससे तनाव दूर रहता है। और देखा गया है कि ये कई बीमारियाँ आजकल तनाव से जुड़ी हुई हैं, जिसको हम लाइफ स्टाइल डिजीजेज कहते हैं, और नॉन कॉम्युनिकेबल भी कहा जाता है, और ये इस वक्त मृत्यु का मुख्य कारण है। कोई 70% लोगों की मौत आजकल नॉन कॉम्युनिकेबल डिजीज से होती है। कॉम्युनिकेबल डिजीज़ कम हो रही है, जैसे जिसमें हार्ट डिजीज़ है, डायबिटीज़ है, इसमें हाइपरटेंशन है, और लंग्स की डिजीज़ हैं, ये सारी हमारी लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई है। और लाइफस्टाइल अगर ठीक रखा जाए तो इस बीमारी से बच सकते हैं। अगर बीमारी हो भी गई है, हमने रिसर्च की है, ब्लड प्रेशर ठीक कर सकते हैं आप, अगर अर्ली स्टेज में बीमारी को रिवर्स भी कर सकते हैं। और आजकल रिसर्च हुई है, ये देखा गया कि अगर किसी को हार्ट अटैक हो जाए और योग किया जाए तो दोबारा हार्ट अटैक होने के चांसेस कम हो जाते हैं। बहुत बड़ी स्टडीज हुई हैं। इसी तरह डायबिटीज़ के अंदर भी ये दिखाया गया है कि अगर योग को हम जोड़ दें तो इससे डायबिटीज़ को भी काफ़ी हद तक रिवर्स कर सकते हैं। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं, इन भयंकर बीमारियों से बचना चाहते हैं जो मौत का मुख्य कारण जैसे हार्ट अटैक, डायबिटीज़ है, तो व्यक्ति को चार चीज़ों का ध्यान रखना है जो हमारे जीवन से जुड़ी हैं। एक तो ठीक प्रकार का भोजन करें, जिसको हम कहते हैं कि रिफाइंड चीज़ें नहीं खाएं, नेचुरल फूड खाएं, जो जैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं, नट्स, ये सारे अच्छे माने गए। दूसरा, शारीरिक व्यायाम करें, आधा घंटा अगर सैर करें तो कई बीमारियाँ ठीक हो सकती हैं। तीसरा, मानसिक तनाव से दूर रहें, और ये इससे दूर रहने के लिए योग और ध्यान का बहुत बड़ा रोल है, इसके ऊपर काफ़ी स्टडीज़ हुई। और चौथा है कि हम तंबाकू का प्रयोग नहीं करें, तंबाकू और शराब से ये बीमारियां जुड़ी हुई हैं। तो अगर चार चीज़ों का बचपन से ध्यान रखेंगे तो ये बीमारी से बच सकते हैं। और योग, क्योंकि मैं जैसे बताया कुछ आसन नहीं है, एक संपूर्ण जीवन शैली है, जिसके अंदर ना केवल शारीरिक व्यायाम होता है, मानसिक तनाव दूर किया जाता है,
इसमें सात्विक भोजन भी दिया जाता है और तंबाकू और शराब से भी छुटकारा मिल सकता है। तो हमें योग जीवन शैली फॉलो करनी चाहिए और हम बीमारी से बच सकते हैं। अगर बीमारी हो भी गई है इसको काफ़ी हद तक हम रिवर्स कर सकते हैं। खासतौर से नवजीवन आयुष्मान भारत जो कॉन्फ्रेंस ऐसे इंटीग्रेटेड कॉन्फ्रेंस पूरे देश भर में आयोजित कर रहा है, क्या कुछ कहेंगे ऐसे कॉन्फ्रेंस से कितनी इम्पोर्टेंस है? इसकी बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है। देखिए जो मॉडर्न सिस्टम है उसके कुछ फ़ायदे हैं, जैसे एमरजेंसीज में मॉडर्न सिस्टम बहुत अच्छा है। किसी को हार्ट अटैक हुआ है, किसी का फ्रैक्चर हो गया, उसको तो मॉडर्न सिस्टम करेगा, लेकिन जो जीवन शैली से जुड़ी हुई बीमारियाँ हैं उसके अंदर इसका फ़ायदा नहीं है। और इलाज बहुत महंगा है, आपने देखा होगा हार्ट डिजीज़ का कितना महंगा इलाज है, डायबिटीज़ का कितना है। तो ऐसी कंडीशंस में ये जो हमारी पुरानी पद्धति है, योग है, आयुर्वेद है, ये बहुत मदद कर सकता है। इससे काफ़ी रिसर्च हुई है कि इससे ये बीमारियाँ काफ़ी हद तक ठीक हो सकती हैं। बीमारी बड़ी भी हुई है तो भी हम दवाइयों को कम कर सकते हैं जो मॉडर्न मेडिसिन। इससे कॉस्ट जो है इलाज करने की बहुत कम हो जाएगी, इससे बीमारियाँ से बच जाएंगे। सबसे ज़रूरी चीज़ तो ये कि बीमारियों से बच जाएंगे, और अगर बीमारी हो भी गई है तो इसकी कॉस्ट जो है बहुत कम हो जाएगी। और इसके ऊपर साइंटिफिक एविडेंसेस हैं कि ये ना केवल मरीजों के लिए फ़ायदेमंद है, उनको हॉस्पिटल्स के लिए भी कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। इसीलिए कई हॉस्पिटल्स के अंदर इनको इंक्लूड किया जा रहा है, और मुझे उम्मीद है कि धीरे धीरे हर एक हॉस्पिटल में हमारे देश में, सारी दुनिया में, ये दोनों सिस्टम्स को कंबाइन करके मरीज़ों को फ़ायदा पहुँचाया जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद मंजना साहब। जी दोस्तों, तो ये थे डॉक्टर एस सी मानचंदना साहब पद्मश्री हैं, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि जिस प्रकार से इंटीग्रेटेड यहाँ कार्यक्रम हो रहा है, ऐसी कॉन्फ्रेंस की देश भर में ज़रूरत है और जिसके लिए नवजीवन और आयुष्मान भारत ने जो आगे कदम बढ़ाया है इससे काफ़ी कुछ लाभ होने वाला है। कैमरा पर्सन हेलन के साथ मांगे, नमस्कार। देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि सभी खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट। We'll be right back.